नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में गुरु का बलय बना हुआ है। गुरु का बलय बना तो जीवन में समझ ले धार्मिक लोगों से, धार्मिक चीजों से आप जुड़ जाएंगे। ऐसे लोग ज्ञानी लोग होते हैं, क्योंकि गुरु का साथ मिलना, गुरु की बात करना, गुरु के धर्म की बात करना, किसी भी मजहब की बात करना, किसी को आपस में जोड़ के रखना, वो गुरु का काम है। और गुरु बलय इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं, किसी संस्था के संचालक होते हैं, किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी होते हैं, और उनको देखें तो आप जीवन में उनके हाथों में गुरु का बलय अवश्य बना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के प्रोग्रेस के बारे में बताती है, जीवन के तरक्की के बारे में बताती है, जीवन के सेहत के राज के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा एक दूसरे के संबंध के बारे में बताती है, एक दूसरे के नजदीकों के बारे में बताती है। कहते हैं ना गुरु, गुरु का नाम लेते हुए जीवन में एक संचार सा पैदा हो जाता है, एक रोशनी सी पैदा हो जाती है। कहते हैं ना गुरु उसी को मिलता है जो कर्म करता है, परमात्मा उसी को कृपा करता है जो उसके काबिल होता है। तो गुरु का ज्ञान मिल जाए, जीवन वैसे लोगों का धन्य हो जाता है। कहते हैं ना ये गुरु के पर्वत के ऊपर गुरु का बलय बनता है, तो ये गुरु का बलय है। ऐसे लोगों को विशेष कृपा होती है परमात्मा की। हर धर्म की बात करेंगे, हर मजहब की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, धार्मिकता की बात करेंगे, किसी भी चाहे ट्रस्ट के हो। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, आप देखिए किसी मंदिर के संस्थापक बनेंगे, किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी, संचालन करने की, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर जबरदस्त होती है, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों को, लोगों के भलाई का भी काम करते हैं, ऐसे लोग सच्चाई पे भी चलते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा की विशेष कृपा भी होती है। कहते हैं ना ज्ञान उसी को मिलता है, परमात्मा उसी को दिव्य दृष्टि देता है जो उसके कला के प्रति अटूट संबंध रखता है। ऐसे लोगों को आप देखें जैसे एज इनकी जाती है, जैसे एज की अवस्था में बढ़ते हैं आगे की तरफ, मीडियम में है तो आप मंदिरों की सेवा करते देखेंगे, गुरुद्वारे की सेवा करते देखेंगे, चर्च की सेवा करते हुए देखेंगे, किसी विशेष धर्म की बात करेंगे। और इनके घर में तो लाइब्रेरी का ढेर लगा होता है, सभी मजहबों का, सभी ज्ञान के, सभी ग्रंथों की पढ़ने की बात करेंगे। ज्ञान कहां से मिल जाए, ज्ञान कहां से इकट्ठा हो जाए, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना है, धर्म की बात करना है, उपदेश की बात करना है। ज्ञान एक ऐसा दरिया है, एक ऐसे दरिया के साए में ऐसे लोग रहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। ज्ञान तो तभी मिलता है जब परमात्मा के प्रति आप प्यार करते हैं। परमात्मा आपको शक्तियां नहीं देता है, लेकिन ऐसे लोगों का ज्ञान जो होता है बड़ा अटूट, बड़ा प्यार, बड़ा सौभाग्य से मिलता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।